नमस्कार दोस्तों, गंजवासदा के निकट 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम ककरावदा में बाजदा डिवीजन का उपकंड 33/11 के भी सब स्टेशन पर तैनात बिजली कर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि यह घटना 11/5/2021 की है। उस समय ड्यूटी पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारी ऑपरेटर विनय दांगी मौजूद था, जिसके साथ कुछ ग्रामीणों ने मारपीट की और सब स्टेशन पर जो सरकारी संपत्ति थी उसके को भी क्षतिग्रस्त किया गया। आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये सामान टूटा हुआ बिखरा हुआ दिख रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर कूलर वगैरह पूरा सामान बिखरा है। कोरोना काल में ड्यूटी पर तैनात ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें और मामले को नज़दीकी थाने में भी मामला दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग के कर्मचारी के साथ की मारपीट। इस प्रकार से पूरा ये लॉकशीट देख सकते हैं आप, फोटो के जरिए भी बिनेदांगी को देख सकते हैं। चलिए जानकारी आगे विस्तार से। यह घटना 11/5/2021 के ककरावदा गांव की घटना। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। विद्युत सब स्टेशन पर तैनात कर्मचारी के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। नगर के 8 किलोमीटर दूर स्थित ककरावदा में विद्युत सब स्टेशन पर स्थित कर्मचारी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। कर्मचारी के साथ मारपीट तो की ही, साथ ही विद्युत सब स्टेशन के अंदर रखी सामग्री भी तोड़ दी। इससे बिजली कंपनी को हजारों का नुकसान हुआ, कर्मचारी को भी गंभीर चोट का सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। सर ड्यूटी पर तैनात विनय दांगी के पास कुछ लोग सब स्टेशन पर पहुंचे। उसने कहा कि बिजली क्यों नहीं है। इस समय उन्होंने जवाब दिया कि सप्लाई फेल है। इसके बाद विवाद हो गया और विनय दांगी के साथ मारपीट की गई। विनय दांगी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अंशुल आशीष मोहित के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर जांच में लिया। वहीं विनय का उपचार शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में किया जा रहा है। कर्मचारी पर किसदा सिटी थानी में से मिली जानकारी के मुताबिक अंशुल की रिपोर्ट पर कर्मचारी विनय दांगी और चरण सिंह पर भी मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों पर भी मारपीट का मामला दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि कर्मचारी के पहले मारपीट का मामला दर्ज हुआ है, वहीं ग्रामीणों के ऊपर मामला बाद में कोतवाली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। हालांकि अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के AE राजीव रंजन सिंह का कहना है कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी साथ मारपीट की गई, साथ ही सब स्टेशन पर रखे सामान की भी तोड़फोड़ की गई। मामला दर्ज कराया और वह स्वयं मौके पर जाऊंगा और देखूंगा और कितना नुकसान हुआ है सब, साथ ही पुलिस के साथ अधिकारी और उचित कार्रवाई भी करवाऊंगा। ककरावदा में विद्युत कर्मचारी के साथ हुई मारपीट को मैं न्याय दिलवाऊंगा। इस प्रकार की वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य किसी ग्रामीण के साथ या किसी विभाग के कर्मचारी के साथ इस प्रकार का मामला सामने ना आए। क्योंकि यदि मामला इस प्रकार से सामने आता है तो कर्मचारी का विश्वास टूट जाता है और वह अपने अंदर से विश्वास तोड़ देता है। नमस्कार।